हेलो एवरीवन क्या हाल चाल आप सभी के मैं विवेक सिंह आप सभी का हार्दिक अभिनंदन इस्तेवाल करता हूँ आपको अपने क्लास में तो चलो आ जाओ जुड़ जाओ सारे हेलो 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 एवरीवन सर नहीं आया ना आ गए यार ऐसे कैसे थोड़ा सा लेट हो गया था सॉरी उसके लिए आ जाओ हेलो एवरीवन तो कैसे हैं आप सभी क्या है हाल चाल सभी के और एक बार फिर एक्से स्टेशन को शेयर कर दो और जुड़ जाएंगे सारे आ जाओ क्लास को शुरू करते हैं और बात करते हैं आज सेशन के बारे में क्या है बातें सर देखो क्या है बातें करने को देखो आ जाओ भाई हेलो एवरीवन हेलो 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 आ जाओ देखो वेलकम वेलकम माय फ्रेंड वेलकम 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 चलो आ जाओ हेलो तो सभी को गुड आफ्टरनून पहले मेरी साइड से सभी को गुड आफ्टरनून कैसे हैं आप सभी क्या हैं हाल चाल आप सभी के फटाक सेशन में जुड़ जाओ आ जाओ आ जाओ क्लास शुरू करते हैं आ जाओ चलो देखो वेलकम वेलकम माई फ्रेंड वेलकम क्या है बात है भाई देखो आज की जो बात है आज की जो खास बात है क्या कि द बिगेस्ट सिलेक्शन पार्टी ऑफ 2021 सर 2021 का सर क्या सबसे बड़ी पार्टी हम दे रहे हैं आपको सर क्या ईयर एंड सुपर ऑफर जो साल का एंड हो रहा है उसका सुपर ऑफर है कि अगर आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा आयाम देना चाहते हो और चाहते हो कि अगर आप एक ही सब्सक्रिप्शन में लंबे समय तक पढ़ सको कि बार बार सब्सक्रिप्शन खरीदने से आपको क्या छुटकारा मिल जाए तो क्या कर सकते हो आप तो आप आ, क्या कर सकते हो तो ये जो है डबल वैलिडिटी किस पर? जो भी आपके महापैक्स हैं और टेस्ट पैक हैं, इन पे आपको दुगनी मिल बस आपको टेस्ट पैक और महापैक पर क्या मिल जाएगी तो आपको मिल जाएगी टेस्ट पैक और महापैक पर डबल वैलिडिटी नेक्स्ट जाओ क्या है सर सवालों का शुरू करते हैं और देखो पहला क्वेश्चन जो कि क्या है जाओ स्टार्ट ना हाँ जी स्टार्ट कर दिया लाडली गुड़िया बटिया हमने शुरू कर दिया आपके सेशन को तो चलो आज क्या डीपीटी का टीका सुरक्षा हेतु डीपीटी है ना तो ये कुछ और नहीं एक ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन होती है क्या होती है लाडलो याद रखोगे यह या होती है ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन इसे कहते हैं क्या इसे कहते हैं ट्रिपल एंटीजन ट्रिपल एंटीजन

डी डी से मेरे लाडलों क्या बनता है डी से बनता है डिप्थीरिया पी से क्या बनता है पी से बनता है पर्टूसिस पर्टूसिस जिसे कहते हैं क्या जिसे कहते हैं कुकुर खांसी पर्टूसिस कुकुर खांसी और टी से बनता है क्या टेटनस और ये तीनों के तीनों रोग किससे होते हैं और तीनों के तीनों रोग होते हैं जीवाणु से बैक्टीरिया से और यह तीनों के लिए एक ही टीका लगता है जिसे ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कहते हैं जो कि आपका सही आंसर होगा क्या डिप्थीरिया पोलियो सॉरी डिप्थीरिया टिटनेस और पर्टोसिस यह होगा याद रखेंगे संगीता कुमारी स्वागत है आपका ऋषभ ऋषभ कुमार कालिंद्र कालिंद्रका यादव ऋषभ कुमार पापा की परी कोई बात नहीं गुड़िया लाडली बहुत ही शानदार तरीके से जुड़ रहे हैं सभी सभी सही बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर दो और कहां जा रहे हैं सारे क्या ही हो जाता है तुम एक दिन दिन पढ़ते पढ़ते हो दिन हो पढ़ते हो हो गायब गायब रहते रहते फिर फिर जी नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कह रहा है सर निम्नलिखित जोड़ों में से किसका सुमेल है भैया क्या कह रहा है सर जो आपके ये पेयर्स हैं इसमें से कौन सा पेयर है जो क्या सर जो सुमेल है जो करेक्टली मैच किया हुआ है जरा मुझे बताओ टीबी के लिए सर बीसीजी सी जी बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन देखो जो टीबी रोग है ट्यूबरक्स और ट्यूबरक्स के लिए आपके लिए टीका लगता है कौन सा तो ट्यूबरक्स के लिए टीका लगता है बीसीजी का जिसका फुल फॉर्म है बैसिलस बैसिलस याद रखेंगे बैक्टीरिया का नाम इनके साइंटिस्ट का नाम जिन्होंने इस टीके को बनाया तो याद रखेंगे निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सुमिलित है सर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मैच याद रखेंगे सर कौन सा मैच होगा सर मोतियाबिंद थायराइड में नहीं होता आंखों में होता है डायबिटीज लीवर में नहीं होता पैनक्रियाज में होता है अग्नाश

मोतियाबिंद पे होगा तो मोतियाबिंद होगा में आंखों में जबकि वहीं पर आपका मधुमेह होगा तो यह हो जाएगा अग्नाशय नाम की ग्रंथि में याद रखेंगे संगीता कुमारी अनफिनिश्ड संगीता कुमारी पापा की परी क्वेश्चन नंबर 41 तक पढ़ा दिए क्या नहीं बेटा क्लास शुरू हुए 40 नंबर क्वेश्चन से 40 चालीस ठीक है इसके बाद भी आगे बढ़े 40 शुरू किए हैं दो बजे से क्लास क्या दो लेट से क्लास चलो हुई है है ना इससे पहले क्वेश्चन कल कराए थे गोल कृमि निमेटोडा से होने वाला रोग कौन सा भैया क्या सर देखो गोल निमेटोडा से कौन सा रोग होता है कृमि जिसे कहते हैं राउंड वॉम राउंड वॉर्म निमेटोडा संघ का जीव है तो जरा मुझे बताओ कि कृमि से राउंड वॉर्म से निमेटोडा क्या जिसे कहते हैं राउंड वॉर्म राउंड राउंड क्रीमी से कौन सा रोग होता है हो 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 या हो फैलेगा फ्लोरेसिस किससे फैलेगा यह लोहे से होता है एफी के बढ़ने से होता है कुछ रोग किससे होता है तो यह बैक्टीरिया से होता है एक ही इसमें रोग बचा कौन सा रोग फाइलेरिया एक ही रोग बचा कौन सा फाइलेरिया या किससे फैलता है तो याद रखेंगे कि यह एकमात्र ऐसा रोग है जो किससे फैलता है गोल कृमि से राउंड वॉर्म से फैलने वाला एकमात्र रोग कौन सा है आपको याद रखेंगे सर क्या यह जबकि वहीं पर कुछ रोग किससे फैलता है तो याद रखेंगे यह जीवाणु से फैलेगा जीवाणु से कौन सा जीवाणु तो माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरियम लैप्रोसी कौन सा जीवाणु जीवाणु का नाम होगा माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरियम लैप्रोसी से फैलेगा कुछ रोग फ्लोरोसिस किससे फैलेगा तो याद रखेंगे आयरन जो एफी है आयरन की अधिकता से क्या फैलेगा आपका फ्लोरोसिस जबकि इंसेफ्लाइटिस ये चिमकी बुखार या जका जापानी बुखार जो कि आपको क्या जो बिहार में बहुत ज्यादा मात्रा में दिखाया था तो इस बारे में आप याद रखेंगे चलो आ जाओ बहुत शानदार कहाँ रह गए सारे बच्चे आज आ जाओ देखो कि एथलीट फूड बीमारी किससे होती है पूछ रहे है सर देखो जो एथलीट फूड बीमारी है वह किससे होती है बताओ फाइलेरिया भी नहीं बेटा फाइलेरिया जीवाणु से नहीं हुआ जीवाणु के लिए मैंने आपको ट्रिक याद करी तुम लोग कहां का घुसा देते हो यार समझ में नहीं आता मुझे ट्रिक तुम लोग कैसे भूल जाते हो लाडले लाडली ये बताओ ट्रिक कैसे भूल जाते हो ट्रिक कैसे भूल जाते हो देखो जीवाणु की ट्रिक आप लोगों को याद कराइए मैंने एक बार नहीं एक बार नहीं सौ बार बताई है सर क्या जीवाणु की ट्रिक क्या है ट्रिक तो ट्रिक होती है पंडित का टीका पंडित का टीका न्यू है वो ट्रिक ही भूल जाते हो तो मैं क्या ही कर सकता हूं इसमें है ना बताओ सर से क्या होगा लाडली पद से होगा प्लेग डी से त तसे तपेदिक का से काली खांसी टी से टाइफाइड और टिटनेस का से होता है न्यू से निमोनिया है से है जा बताओ पांडे जी ए पांडे जी तुम्हारे लिए है कि पंडित का टीका न्यू है है ना ये है बैक्टीरिया वाले रोग किससे जीवाणु से होने वाले रोग हैं सारे आ जाओ क्या कह रहा है कि एथलीट फूड बीमारी होती है किससे होती है द एथलीट फूड डिजीज इज कॉज्ड बाय सर किससे होती है ये तो याद रखेंगे यह होती है प्रोटोजोआ से प्रोटोजोआ है ना नहीं ये फफूंद से होती है प्रोटोजोआ से भी नहीं होगी किससे होगी यह तो यह हो जाएगी फफूंद से प्रोटोजोआ से नहीं फफूंद से देखो कौन-कौन सा रोग होता है सर फफूंद से कौन-कौन सा रोग होता है ट्रिक याद रखना ट्रिक ट्रिक याद रखेंगे क्या होगी ट्रिक ट्रिक होगी गंजा दमाद खाए, फ्रूट ये ट्रिक होती है किसकी तो फफूंद से होने वाले रोगों की अब फफूंद से कौन कौन से रोग हैं सर गंजा से क्या होगा तो गंजा से होगा गंजापन गंजापन दमा दाद खाज खुजली और एथलीट सॉरी फुट ये क्या होते हैं तो ये अलग अलग रोग होते हैं ठीक है बहुत ही शानदार प्रसोनजीत अनफिनिश्ड ओ सर बी 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 ये प्रोटो कमेंट करके ना मुझे ही वो कर दिया सर क्वेश्चन सो कीजिए ये रहा क्वेश्चन तो क्या फूड से ठीक है आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ कि निम्नलिखित प्रति सूक्ष्मी औषधियों में से कौन सी टीबी और कोढ़ के लिए दोनों की चिकित्सा में क्या भैया जरूरी है बताओ बताओ कौन सी वो है आइसोनियाजिड या एमिनो सल्सिक एसिड बताओ अमित कुमार स्वागत है आपका भी आज पता नहीं सारे बच्चे कहाँ हैं यार देखे आ रहे आज कोई क्या हुई हो गया देखो क्या कह रहा है कि सूक्ष्म औषधियों में से कौन से क्षमा और कोड के लिए सर स्ट्रेप्टोमाइसिन क्यों सर स्ट्रेप्टोमाइसिन सुनो सुनो सर स्ट्रेप्टोमाइसिन क्यों क्योंकि यह क्या है यह है एंटीबायोटिक पहली बात तो याद रखो यह क्या है यह एंटीबायोटिक है अब सुनते हो मेरे को यह क्या है यह एंटीबायोटिक जो किसके खिलाफ कार्य करती है तो याद रखेंगे कि यह, यह, यह बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होने वाले रोग के खिलाफ कार्य करती है यह किसके खिलाफ तो यह जीवाणु से होने वाले रोगों के खिलाफ कार्य करती है कौन सी तो यह स्टेप्टोमाइसिन नाम की एंटीबायोटिक किसके खिलाफ तो याद रखेंगे कि बैक्टीरिया के खिलाफ कार्य करती है कौन यह आपकी एंटीबायोटिक अगर और इसमें डिटेल देखा जाए और अगर डेप्थ में जाकर हम बात करें इसके बारे में, तो यह वही द्वारा खोजा गया तो वॉक्समैन द्वारा फादर ऑफ एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक का जनक कहा जाता है किसे प्रति जैविक का जनक कहा कि कह hey, सर किसको वॉक्समैन को क्योंकि वह कौन सी थी कि पहली एंटीबायोटिक थी जो जीवाणु से बनी हुई थी इससे पहले जो एंटीबायोटिक थी जिसका नाम था पेनिसिलीन जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा बनाई गई तो याद रखेंगे वह जो एंटीबायोटिक थी वह कवक से बनी थी ना कि बैक्टीरिया से बनी थी इस बात को आप सारे याद रखोगे हमेशा हमेशा आज अगला सवाल देखो क्या कहता है देखो भाई कि बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह कौन सा ऐसा देखो क्या कह रहा है कि प्रोटीन की कमी प्रोटीन की कमी से दो ही रोग होते हैं जिसे कहते हैं कुपोषण कुपोषण दो ही होते हैं सर पहला कौन सा होता है पहला होता है सर क्या आपका क्वाशर कर दूसरा होता है मरसमस पहला होता है क्वाशर कर दूसरा होता है मरसमस और यहाँ पे दिया रखा है सर दे रखा है मरसमस 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 में क्या होता है जो शरीर होता है वो क्या वो अत्यधिक पतला और पेट बाहर निकल जाता है मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाता है बच्चे का इस बात को आप याद रखेंगे तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट याद रखेंगे सर पलाग्रा किससे होता है तो सर याद रखोगे यह विटामिन बी से होने वाला रोग है और इसे डी डिजीज भी कहते हैं रिकेट्स किससे होता है तो यह विटामिन डी से होता है और बेरी बेरी किससे होता है यह विटामिन बी से होता है याद रखेंगे यह या सारे रोग हैं इस बात को याद रखेंगे आपसे क्या क्या इसमें से, आप आप इस से कौन सी डिजीज वायरस से होती है जरा मुझे बताओ जरा मुझे बताओ जरा मुझे बताओ कि वह कौन सा सेट है छोटी माता कैंसर तपेदिक कैंसर तपेदिक पोलियो पोलियोलाइटिस ठीक है हरपीज हरपिज और रेबिस बताओ सर इसमें से कौन सी वो बीमारियां हैं जो कि क्या वायरस से होने वाली बीमारियों का सेट है जरा मुझे बताओ जरा मुझे बताओ क्या होगा इसका उत्तर में में से सेट सारी विषाणु जन बीमारियां कौन सी हैं जरा मुझे बताओ तो विषाणु जन बीमारियों में से कौन सी बीमारियां आएंगी तो याद रखेंगे आपका मॉम्स रेबिस और हर्पीज या तीन ही ऐसी बीमारियां जो किससे होती है जो वायरस से होती है हर्पीज हर्पीज वायरस से रेबिस रेबिस वायरस से मम्स मम्स नाम के वायरस से होगा माइशी शिपराप को याद ही होगा सर जो तपेदिक है वो बैक्टीरिया से होता है कैंसर सेल से होगा, तो होगा लेकिन अलग अलग से होंगे तो एकमात्र ऐसा ऑप्शन जो कि ऑप्शन नंबर बी है जो कि वायरस से होने वाले रोगों के समूहों के बारे में बतलाएगा इस बात को आप सारे याद रखोगे देखो नेक्स्ट सवाल क्या कहता है आप सभी से आ जाओ अगले सवाल पे बढ़ते हैं देखो अगला सवाल क्या कह रहा है सर देखो कि एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है रिंग वॉर्म होता है डायबिटीज होता है कॉलरा होता है या अस्थमा होता है किसी चीज की एलर्जी हो जाएगी किसी चीज की आपकी बॉडी में क्या तो कोई भी अगर धूल के कण बाहर के कण अगर आपकी बॉडी में आते हैं और उससे आपको इंफेक्शन होता है तो जरा मुझे बताओ किस में से कौन सी वह बीमारी है जो एलर्जी से होती है जरा मुझे बताओ जरा मुझे बताओ वह कौन सी बीमारी है जो एलर्जी द्वारा दिखी जाती है तो याद रखेंगे सर एलर्जी से होने वाली डिजीज कौन सी है रिंग पे कह रहे हैं तो याद रखेंगे डिजीज कौन सी होती है अस्थमा जो अस्थमा है अस्थमा क्या है एलर्जी से होने वाली डिजीज है जब आपको धूल के कण धूल के कणों से तो आपके धूल के कणों से क्या आपको एलर्जी होगी तो आपको बहुत ज्यादा छींक का आना नाक का बहना और क्या सांस का फूलना यह क्या है तो याद रखेंगे यह या एक प्रकार का एलर्जी से होने वाला रोग है जबकि वहीं पर डायबिटीज हैजा और रिंग या किसी कीड़े से होगा या किसी बैक्टीरिया से होगा या किसी ये, सर, क्या आ, किसी हार्मोन की कमी से होगा जबकि वहीं पर याद रखेंगे जो अस्थमा है जो आपकी बॉडी के अंदर अगर धूल के कण सर क्या जो फॉरेन मटेरियल्स आपकी बॉडी के अंदर एंटर करेंगे तो यह रोग आपको देखने को मिल जाएगा इस बात को आप ध्यान देंगे ठीक है <coughs> नेक्स्ट आज क्या कहता है सर सर पैथोजेन जो समानता जुकाम के लिए उत्तरदायी है कौन सा है सर देखो जुकाम के लिए सर कौन सा है बताओ जरा

लेकिन जो कॉलेरा होता है ये बैक्टीरिया करता है यह जीवाणु करता है जीवाणु में जब बिब्रियो कॉले बिब्रियो कॉले नाम का बैक्टीरिया जीवाणु के अंदर पाया जाएगा तो यह रोग देखा जाएगा आपको ठीक है इस बात को आप याद रखेंगे आज अगला सवाल क्या कहता है बहुत ही शानदार वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड आज अगला सवाल देखो क्या, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण जीवाणु का नहीं है सर कौन सा ऐसा रोग है जो जीवाणु का नहीं है अभी ट्रिक बताई थी कुछ देर पहले की पंडित का टीका न्यू है इसमें से कौन सा ऐसा रोग है जो बैक्टीरिया से नहीं होता है यानी जीवाणु जनित रोग

हुपिंग कप किससे होगा तो हीमोफिलिस पटूसिस नाम के जीवाणु से ये तीनों रोग होते हैं जबकि एड्स किससे होता है यह एचआईवी वायरस से होता है और एचआईवी जो वायरस है वो रिट्रो वायरस फैमिली का है सर तो रिट्रो वायरस क्या होता है जिसके अंदर जो आरएनए होगा आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए अपने शेप को चेंज करता रहेगा जिससे सर क्या उसमें म्यूटेशन होती रहेगी और कभी भी इसका एक फिक्स जीनस फिक्स फिक्स स्ट्रक्चर नहीं देखा जाएगा जिसके लिए दवाइयां बनाना बहुत मुश्किल होगा और इसमें अलग अलग वेरिएंट आते रहेंगे क्या आपको कोरोना की याद आ रही है तो हाँ जी कोरोना भी किससे होता है तो कोरोना भी आपका रेट्रोवाइरस से होता है जबकि वहीं पर जो एड्स है यह भी रेट्रो वायरस की फैमिली से होने वाला रोग है आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ आ जाओ ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कायद बीमारी पीने वाले जल में निम्नलिखित में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होती है जरा मुझे बताओ, जरा मुझे मुझे बताओ बताओ कि ब्लू बेबी किससे होती है तो अभी आप ब्लू बेबी बेबी ब्लू नहीं होगी इसमें है ना बेबी ब्लू नहीं हो जाएगी लेकिन हाँ जो बच्चा होगा उसका शरीर ब्लू पड़ जाएगा उसकी डेथ हो जाएगी ए दिसंबर एड्स से बिल्कुल 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 बिल्कुल, बिल्कुल। नाइट्रेट 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 नीतू जी बिल्कुल सही जवाब दे रही है क्या नीतू नीतू जी कह रही है नाइट्रेट जो नाइट्रेट है नाइट्रेट से क्या होगा ब्लू बेबी सिंड्रोम होगा फ्लोराइड से फ्लोरोसिस हो जाएगा आर्सेनिक से क्या होगा वाइट फुट या ब्लैक फुट नाम का रोग होगा क्लोराइड से ऐसा कुछ नहीं होता क्लोराइड क्या क्लोरीन है जो कि क्या जो कि आपके टूथपेस्ट में या आपके नमक में पाया जाएगा क्या भैया क्लोरीन और याद रखेंगे आर्सेनिक से क्या व्हाइट फुट और ब्लैक फुट होगा जो बच्चे मुझसे क्लास लिए थे उनको याद होगा कि मैंने कितनी बार बोला है कि क्या, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है कौन सा नमक तो याद रखो

हिमोफीलिया हिमोफीलिया किससे होता है बेटा तो हिमोफीलिया होता है आयरन की कमी से ठीक है आयरन की कमी से होता है हिमोफीलिया डायबिटीज क्या सर इंसुलिन हार्मोन की गड़बड़ी से होगा रिकेट्स किससे होगा सर विटामिन डी की हीनता से होगा कमी से होगा और रिंग क्या है सर यह है आपका कवक की संक्रमण चौथे का चौथा चौथे का चौथा पहले का दूसरा पहले का दूसरा ऑप्शन नंबर दूसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा हिंदी गुरु जी प्रणाम प्रणाम मनोहर यादव प्रणाम प्रणाम खुश रहो खुश रहो खुश रहो नमक नहीं लौंग है अच्छा <laughs> चलो आज नेक्स्ट आज क्या कह रहा है कि सूची एक को सूची दो के साथ कीजिए पे भी थोड़ा सा आप होल्ड करेंगे अगला क्वेश्चन इंग्लिश में होगा सर देखो सूची एक को सूची दो से आर्सनिक से क्या होता है सर देखो जो आ, आ, आयोडीन आयोडीन से मिला दो ठीक है कोबाल्ट किससे मिला दोगे तो आर्सनिक को मिला दोगे किससे तो आर्सनिक आपका होगा ट्यूमर के लिए कोबाल्ट सिक्सटी कैंसर के लिए सोडियम इसके लिए ठीक है इसको छोड़ो नेक्स्ट आ जाओ हाँ, ये बताओ सर ये आ गया इंग्लिश में सवाल द फेमस बबल बेबी डिजीज इज कॉल्ड कॉल्ड सो बबल बेबी को बबल बेबी क्यों कहा जाता है इट इज कॉल्ड सो बताओ बताओ जो एक रोग होता है बबल बेबी बबल बेबी को बबल बेबी क्यों कहा जाता है था? बताओ बबल बेबी रोग को बबल बेबी क्यों कहा जाता है था? बताओ बड़ी पढ़ते रहो क्यों भाई पढ़ते रहो पढ़ते रहना है शर्मा सर, सर बबल को बबल बेबी बेबी को इसलिए कहा था क्योंकि सर देखो जो न, जो शिशु होगा ना बच्चा होता है उसका उपचार क्या जन्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है सर क्या एक बायो बबल बनाया जाएगा क्या किया जाएगा एक बायो बबल बना दिया जाएगा जिस सर देखो इसे क्या ऐसे एक बायो बबल होगा इस बायो बबल के अंदर एक बच्चे को रख दिया जाएगा और उस बच्चे का सर इलाज किया जाएगा इसमें और उसे सर कोई और बीमारी ना लग सके क्योंकि सर देखो जो बबल जो क्या कहते हैं इसको बबल बेबी रोग जो होता है इसमें सर क्या बच्चे को भिन्न भिन्न प्रकार के रोग एक के बाद एक एक के के बाद बाद एक एक बाद एक लगे रह, लगते रहते हैं तो उनसे बचाने के लिए रोग ग्रस्त शिशु में क्या करते हैं भैया तो उपचार जनवरी प्लास्टिक के बुलबुलों में किया जाता है नेक्स्ट आ जाओ नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग सही सुमलित है बताओ भैया कौन सा वर्ग सही सुमलित है क्या बोल रहा है डिप्थीरिया न्यूमोनिया और क्या लिंग संता कुष्ठ कुष्ठ अच्छा अच्छा एड्स सफलस और सुजाक जीवाणु जन्म एड्स सफलस अनुवांशिक दात्र कोशिकाता पोलियो जापानी इंसेफलाइटिस हाँ जी चलो ठीक है बताओ कौन सा इसमें मिलाया सही मिलान है बताओ बताओ कौन सा मिलान सही है बताओ सीसा मरखाता है वही क्या सीखा सीसा तो एन आई सी यू होता है सर क्या शीशा जो होता है शीशे में किसको रखते हैं सर देखो एन होता है जब कोई बच्चा अल्प विकसित पैदा होता है वो अलग होता है ठीक है डी सर देखो जो पोलियो है जापानीज़ बी वायरल इंसेफ्लाइटिस तथा प्लेग यह क्या चलिए सर ये ऑप्शन नंबर डी डी हो जाएगा नेक्स्ट आ जाओ से कौन सी जोड़ी गलत है कौन सी जोड़ी गलत है बताओ बताओ भैया कि कौन सी जोड़ी गलत है बताओ हो जो नीतू अनफ़िनिश्ड प्रसूनजीत पापा की परी सोनम कुमारी शर्मा भाई एक बार श्री को शेयर कर दो यार आज तो बहुत ही कम बच्चे हैं बताओ आज तो तीस भी आ गए हम एक बार भी देखो सुनो सर लिमखित में से कौन सी जोड़ी गलत है देखो जो पोलियो है वो बंदर से होता ही गलत है पोलियो क्या होता है भैया तो यह थूक से फैलता है ठीक है यह स्पट से फैलता है थूक से फैलता है रेबिस कुत्ते से होता है बिल्कुल सही बात है प्लेग चूहे का वहां के सही बात है टेप वाम सुवर से होता है यह तीनों सही है लेकिन यह क्या है तो यह गलत है मतलब यही हमारा उत्तर सही है जो गलत है वो सही उत्तर याद रखेंगे ठीक है बहुत ही शानदार बहुत ही शानदार नेक्स्ट आ जाओ नेक्स्ट क्या कह रहा है, कि है किसकी कमी से होता है किससे हो, होता है किससे होता, किस होता है तो याद रखेंगे यह एस्कॉर्बिक अम्ल से होता है किससे होता है यह एस्कॉर्बिक अम्ल से होता है एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है भैया तो यह विटामिन सी और विटामिन सी किससे मिलता है तो खट्टेदार फलों से मिलता है और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होगा है ना आमला होता है क्या होता है आमला और आमले को क्या कहते हैं तो इसे कहते हैं डॉक्टर प्लांट कहते हैं इसी आमले को क्या कहते हैं तो इसी आमले को डॉक्टर प्लांट कहा जाता है ठीक है पापा की परी अनफिनिस्ट गूजे आज कि बिंदुकता एक बीमारी है सर क्या इसे कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म इसे कहते हैं क्या एस्टिग्मेटिज्म।, एस्टिग्मेटिज्म जो एस्टिग्मेटिज्म है वो कैसी बीमारी जरा मुझे बताओ एस्टिग्मेटिज्म कैसी बीमारी है बताओ संगीता कुमारी प्रसूनजीत सोनम कुमारी शर्मा होजो इतीश चौधरी, पापा की परी पलवी सुनम कुमारी शर्मा देखो सर ये क्या है ये आईज है या आंखों की बीमारी है आंखों में कौन कौन सी बीमारी हो तो आंखों में चार बीमारियां आपको पढ़नी है पहली कौन सी पहली होती है सर क्या निकट दृष्टि दोष एक आपको पढ़ना होता है निकट दृष्टि दोष इसमें क्या होता है निकट अच्छा होता है दूर खराब होता है दूसरा होता है क्या दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष इसमें दूर अच्छा निकट खराब होता है दूर दृष्टि दोष तीसरा होता है क्या तीसरा होता है अबिंदुक्ता एस्टिग्मेटिज्म अबिंदुक्ता एस्टिग्मेटिज्म और चौथा होता है जरा दृष्टि दोष जरा दृष्टि दोष इसे कहते हैं इंग्लिश में प्रेस बायोपिया प्रेस बायोपिया इसे कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म, इसे कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया और इसे कहते हैं मायोपिया ये अलग अलग डिजीज है याद रखेंगे मायोपिया को अवतल लेंस्रो हाइपरमेट्रोपिया को उत्तल लेंस अबिंदुकता को सिलेंड्रिकल लेंस और प्रेस बायोपिया को बाईफोकल लेंस से सही किया जाता है याद रखेंगे इस बात को तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू आंखों की ठीक है नेक्स्ट आ जाओ नेक्स्ट क्या है कि मायोपिया किस अंग का दोष है फिर से वही सर देखो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको अभी बताया अभी जस्ट ही बताया गलत मत करना हाँ अंधेरा हो गया है सर अब क्या अब बताओ बताओ आंसर क्या चक्षु संबंधित नेत्र संबंधित ठीक है नेत्र से ठीक है नेक्स्ट कि थैलसीमिया के रोगी के शरीर में निम्नलिखित के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता सर बताओ सर को जो थैलसीमिया रोग है सर याद रखो जो थैलसीमिया रोग है वह किसके ठीक है सर जी एक शायरी बोल दो आप शायरी शायरी बोल दो आप सुनाएंगे आपको ठीक है कुछ अच्छा सुनाएंगे ठीक है एक बार भाई क्या काउंटिंग संश्लेषण की क्षमता नहीं होती किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं होती हीमोग्लोबिन के देखो जो हीमोग्लोबिन होता है ये क्या करता है तो आपके बॉडी के अंदर क्या देखो जैसे ओटू ऑक्सीजन और क्या भैया ऑक्सीजन को ब्लड ऑक्सीजन को ब्लड के साथ मिक्स करके ले जाने का कार्य करता है कौन आपका ये क्या हीमोग्लोबिन इसकी कमी हो जाएगी तो शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल गिर जाएगा जिससे बहुत सारे रोग आपको देखने को मिलेंगे सर तो हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन में कभी कभी पूछता है कौन सी धातु पाई जाती है तो हीमोग्लोबिन में एफ ई धातु पाई जाती है आयरन धातु पाई जाती है हीमोग्लोबिन और क्या भैया तो हीमोग्लोबिन और किस लिए इंपॉर्टेंट है तो आप सभी को पता है एक तो हीमोग्लोबिन में एफ ई धातु होती है दूसरा अगर हीमोग्लोबिन के बारे में बात की जाए तो क्या इसकी वजह से रक्त का रंग कैसा होता है तो लाल होता है और भैया डेट आ चुकी है आपके एग्जाम की ठीक है लगाया जाता है बताओ भैया कि बीसीजी का टीका निम्नलिखित में से किस में लगाया जाता है बताओ जरा बताओ बताओ बीसीजी का टीका निम्नलिखित में से किस में लगाया जाता है बीसीजी यूरिन सुबह से ही पढ़ रहे हैं इसके बारे में है ना बताओ बीसी शक्ति का निमुखित में से किसमें आता है कि पर बैठकर क्या आसमान देखता है कि जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है अरे पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है और समय के साथ कुछ कर चाहे मत कर समय के साथ कुछ कर चाहे मत कर अपनी हैसियत बना क्योंकि ये दुनिया तेरे चेहरे को नहीं तेरी पहचान देखता है तेरी पहचान देखता है कि जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है सर बीसीजी किस में लगता है सर यक्षमा यक्षमा जिसे कहते हैं टीबी इसे कहते हैं क्या सर इसे कहते हैं क्षय रोग इसे ही क्षय रोग भी कहते हैं इसे कहते हैं ट्यूबर क्लोसिस भी कहते हैं इसे टीबी भी कहते हैं याद रखेंगे से क्या कहते हैं सर यक्षमा को सर और टीबी भी कहते हैं और याद रखेंगे इसके बारे में एक बात एक बात याद रखेंगे क्या सर कि सर देखो जो बीसी है ये टीका होता है जो जन्म के एक सप्ताह के अंदर एक वीक के एक वीक के भीतर लगता है क्या आपका बीसीजी का टीका जिसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन याद रखेंगे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑफ ओट इज यक्षमा ठीक है याद रखेंगे इस बात को बहुत ही शानदार वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सेशन को लाइक कर दो सारे को लाइक कर दो ठीक है चलो आ जाओ बाय सर संगीता कुमारी क्यों बाय गुड़िया गुड़िया पढ़ो पढ़ो गुड़िया पढ़ो कि पढ़ोरों को मानो रिहायशी क्षेत्रों से दूर देखो सुअर जो होते हैं इन्हें मानो के क्षेत्रों से दूर रखते हैं किसके उन्मूलन मतलब भैया किसके उन्मूलन से फील पाओ मलेरिया जापानी इंसफ्लाइटिस या पोलियो देखो जो सुअर होते हैं ना ये मानो के रिहायशी क्षेत्र से लगते होते हैं खसला वो भी वो मंजर भी आएगा कि प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा है ना बहुत ही शानदार एक क्लास पसंद आ रही है लाइक मारो ना यार आज जो देखो क्या कह रहा है सर देखो कि सुअर हूं सुअरों को मानो ही सर क्यों क्योंकि उनसे होता है जापानी इंसेफ्लाइटिस जिसे चिमकी बुखार कहते हैं क्या कहते हैं सर चिमकी बुखार जो कि आजकल आप देख पाते हो कि बहुत ज्यादा आप सभी की बात मानते हैं बस मेरी नहीं क्या बात बतो? है बताओ है ना सर क्या होगा सर ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा क्स्ट आ जाओ कौन सा रोग वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया सकता सर सर बताओ ऐसा कौन सा रोग है जो कि सर क्या वैक्सीन से कंट्रोल नहीं होगा ठीक है सर यहां सब लवेरिया से ग्रसित है मेरा सुन लीजिए गुड़िया भी बोलते हो और बुलाते भी हो अपने गुड़िया को पढ़ लो पढ़ लो गुड़िया पढ़ लो ठीक है छोटी बहन जैसी हो तुम तो मेरी पढ़ लो निम्नलिखित में से कौन सा रोग वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया सकता है ठीक है बताओ तो मेरी बहन जैसे यार तुम सबसे छोटे भाई बहनी तो हो ठीक है आ जाओ देखो देखो भाई और बहनों हो सुनो सन्मिखित में से कौन सा रोग वैक्सीशन वैक्सीनेशन द्वारा क्या होता है सर कंट्रोल करते हैं नहीं हो सकता कंट्रोल तो देखो सर देखो पोलियो टीका लगता है चेचक का टीका लगता है काली खांसी का लगता है लेकिन जो डायबिटीज है इसका टीका नहीं लगता इसका टीका नहीं लगता इसका वैक्सीन नहीं लगता इसके लिए आपकी बॉडी के अंदर क्या चलो स्पीड बढ़ाई ठीक है चलो देखो सर देखो जो इसके अंदर क्या तो आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं याद रखेंगे इंसुलिन हार्मोन को इंजेक्ट करते हैं और इसके लिए आपको टैबलेट्स आती हैं टैबलेट्स दी जाती हैं या आपको एक्सरसाइज करने को कहते हैं ठीक है इस बात को याद रखेंगे चलो आ जाओ सर क्या आपका मधुमेह टूसिस में लगता है आज स्पीड थोड़ा सा स्पीड करते हैं एड्स विषाणु में होता है सर क्या होता है एड्स विषाणु में एड्स एड्स से वायरस वायरस सर क्या अभी आपको बताया सर वायरस किससे बने होंगे या सिंगल स्टैंडर्ड आर से होंगे और अगर आर है तो भैया क्या आर तीन प्रकार के राइबोजोमल ट्रांसफर और राइबोजोमल आर मतलब राइबोजोम राइबोजोम मतलब क्या प्रोटीन तो आर प्लस प्रोटीन होगा ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल 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 सही हो जाएगा अगला सवाल देखो क्या कहता है कि एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु सर क्या है सर एड्स के लिए कौन सा सर देखो आज ही बताया था कि आपको क्या सर एक

आगे बढ़ते अगला सवाल देखो क्या कहते हैं कि मधुमेह है के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया गया सर पूछ रहा है कि इंसुलिन का आविष्कार कौन से वो साहब थे जिनके द्वारा किया गया तो सर याद रखेंगे सर क्या आपके बैटिंग और वेस्ट नाम के साहब थे इंसुलिन की खोज की जबकि स्लाइडन और स्वान ने क्या किया तो इन्होंने सेल थ्योरी बताई कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया था जबकि हुक ने क्या तो सेल की खोज की और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया तो इन्होंने केंद्रक की खोज की थी किसकी खोज की थी तो नाम याद रखेंगे इन्होंने किसकी खोज की तो केंद्रक की खोज इनके की थी आ जाओ नेक्स्ट क्या कहता है में से ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि कौन सी है सर सर तो याद रखेंगे क्या कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि वो होती है जो एक साथ बहुत सारे रोगों के लिए काम करेंगी तो इसमें सर क्या आप याद रखोगे कौन सी वो रोग होगी ठीक है सर याद रखेंगे सर 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 वो कौन सा तो याद जो होती हैं ये क्या होती हैं तो सर यह आपकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि के अंदर आएंगी अगर देखो अगला सवाल क्या कहता है लाडलो लाडलो अगला सवाल की निद्रा नामक बीमारी होती है सर निद्रा रोग निद्रा रोग मतलब क्या स्लीपिंग सिकनेस सोने की बीमारी मतलब हो या नींद का आना सर क्या विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और वर्णांधता होता है शरीर में कैल्शियम की कमी से क्या हो जाएगा तो आपको क्या uh, और रिकेट्स uh, हो जाएगा रक्तचाप के बढ़ने से नहीं होगा तो ट्रिप्नोसोमा एक एक कोश के जीव जब यह ट्रिप्नोसोमा एक कोश के जीव किसके शरीर पर पाया जाएगा तो जब यह पाया जाएगा सीसी फ्लाई सीसी फ्लाई सीसी, सीसी मक्खी के शरीर पर पाया जाएगा और जब यह सीसी मक्खी आपको काटेगी तो आपके शरीर के अंदर ट्रिप्नोसोमा गैबियंस नाम का एक एंटर करेगा और आपको हो जाएगा निद्रा रोग नामक एक बीमारी इस बात को आप याद रखेंगे ठीक है आ जाओ बहुत ही शानदार डी 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 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ऐसे वेर 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 पढ़ते हैं ना कि मज़ा आ जाए यार ऐसे ही पढ़ाया जाता है कि मज़ा आ जाए और एक क्वेश्चन को शेयर कर दो दबा कर है ना आज वो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रोग को एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता देखो सर फिर से आप समझो सर एंटीबायोटिक आज बहुत बार पढ़ लिया और एंटीबायोटिक आप सभी जानते हो कि एंटीबायोटिक किससे बनता है तो बनता है सर क्या बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक किससे बनता है तो यह बनता है बैक्टीरिया से और यह किसके खिलाफ़ प्रयोग होगा तो यह बैक्टीरिया के खिलाफ ही प्रयोग होता है जब यह बैक्टीरिया से बनता है तो यह बैक्टीरिया के खिलाफ ही प्रयोग हुआ तो जरा मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया से ठीक नहीं हो सकता या ऐसा कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया से होता है कोढ़ बैक्टीरिया से होता है एमडीटी लगती हैं टिटनेस बैक्टीरिया से होता है लॉकजॉ होती है जिसमें एटीएस का इंजेक्शन लगता है एंटी टिटनेस सिरम का हैजा सर बैक्टीरिया से होता है और इसमें क्या क्लोरोटीन नाम की दवा दी जाती है तो याद रखेंगे खसरा खसरा का लगता है इंजेक्शन याद रखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर तीसरा क्योंकि यह वायरस से होने वाला रोग है यह विषाणु से होने वाला रोग है इस बात को आप याद रखेंगे ठीक है चलो आ जाओ राहुल सिंह चलो आ जाओ आ जाओ आगे बढ़ते हैं यार भाई पढ़ लो यार तुम तो फालतू की बकवास बाजिया करते हो अच्छा नहीं मुझे यार पढ़ लो खसरा खसरा की बीमारी होती है है डिजीज ऑफ मिजल्सिस सर सर अभी आपको किससे होता है दोनों में रहेंगे दोनों में रहेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे क्या होगा सर वायरस सर देखो जो खसरा की बीमारी किससे होती है सर खसरा की बीमारी वायरस से होती है और सभी लोग देखो पंद्रह जनवरी पंद्रह जनवरी से फॉर्म भरे जाएंगे इसके पंद्रह जनवरी से फॉर्म भरे जाएंगे झारखंड एस एस सी सी जी एल की झारखंड एस एस सी सीजीएल के फॉर्म पंद्रह जनवरी से भरे जाएंगे तो इस फॉर्म को आप भर देना और जो बच्चे मध्य निषेध की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं याद रखोगे कि सत्ताईस फरवरी को आपको पेपर है सत्ताईस तो फरवरी आ जाओ बताओ कि दंत छय का कारण क्या बताओ दंत छय का बताओ भैया दंत क्षय का कारण क्या है बताओ जरा मुझे बताओ जरा कि दंत क्षय का कारण क्या है बिहार वाले भरेंगे नहीं ना सर नहीं जो झारखंड के जिनके पास डोमिसाइल होगी जो झारखंड के निवासी होंगे जिन्होंने टेंथ झारखंड से कर रखी होगी वही भर पाएंगे ठीक है आ दं दंत का कारण क्या है सर तो दं छय कारण होता है दूषित पानी ठीक है क्योंकि जिस पानी में क्या जिस पानी में याद रखोगे सर फ्लोरीन कम होगा जिस पानी में फ्लोरीन की कमी होगी फ्लोरीन की कमी होगी फ्लोरीन कम होगा उस पानी की वजह से क्या हो जाएगा सर फ्लोरीन की कमी होगी तो आपके दांत क्या होते हैं तो दांत गिर जाते हैं और अगर ये फ्लोरीन ज्यादा हो गया जैसे ये सर क्या इस फ्लोरीन की अधिकता हो गई जैसे ये फ्लोरीन क्या हो गया ज्यादा हो गया तो आपके दांत क्या हो जाएंगे तो आपके दांत पीले हो जाते हैं पीले क्स्ट आ जाओ कि सर मलेरिया परजीवी तथा तो अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है सर मलेरिया पैरासाइट एंड अमीबा आर केप्ट इन कैटेगरी बताओ भैया कि अमीबापे अमीबा को और सर सर क्या क्या तो आपके क्या बोल रहे हैं मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम को किस में रखते हैं में रखते हैं पोरीफेरा में रखते हैं में रखते हैं है? तो या प्रोटोजोम रखते बताओ बताओ भैया आज मैं आंसर ना करूंगा संगीता कुमारी सर बीबी क्रीम बीबी पल्लू झुकनी आ गया क्या क्या कह रहे हो ये गलत है झारखंड का लोग बिहार का फार्म डालते हैं अब क्या कर सकते हो चलो मेहनत करो बस मेहनत करो क्या सर प्रोटोजोआ। देखो जो प्रोटोजोआ है ना प्रोटोजोआ। सर क्यों क्योंकि परजीवी को कहते हैं प्रोटोजोआ और अमीबा भी उसके अंदर आएगा जबकि पोरीफेरा पोरीफेरा के अंदर आएगा स्पॉन्जिला स्पॉन्जिला और क्या आएगा सर स्पॉन्जिला और यू स्पॉन्जिया इन जीवों की खास बात क्या होती है कि अब पूरी लाइफ में क्या भ्रम मतलब चल नहीं सकते जहाँ जन्मे हैं वहीं मर जाते हैं सिलेंट्रेटा इसके अंदर आएगा मूंगा कोरल रीफ जिससे आपका क्या ग्रेट बैरियर रीफ का निर्माण हुआ है मालदीव्स के जो भी सर आप देख पाते हो बैरियर रीफ उसका निर्माण हुआ है जिसके अंदर जली और एलिया आ जाएंगी और एनलिडा के अंदर कौन आएगा तो एनलिडा के अंदर अर्थ फॉर्म आ जाएगा कॉकरोच आ जाएगा इस बात को आप याद अर्थ फॉर्म आ जाएगा और आपका जोंक आ जाएगा इस बात को आप याद रखेंगे ठीक है बिहार आ जाओ आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ सर क्या कि अमीबा के कूटपाद महत्वपूर्ण होते हैं इन अमीबा द क्रोमोजोम कूटपाद नहीं सर क्या सीडोपोडिया द सूडोपोड द स्यूडोपोडिया दीडोपोडिया ऑफ अमीबा इज इंपॉर्टेंट भैया क्या सीडोपोडिया किस लिए इंपॉर्टेंट हो तो, तो बताओ जरा ओके बाय संगीता माय डियर फ्रेंड कभी मिलते हैं अच्छा मुझे शर्मा कह रही हम बाय ये दोस्ती यारी सब कर लेते हैं ससुराल से फॉर्म नहीं भर जाओ पढ़ लो पढ़ लो फालतू की बकवास बाजिया करते हो पढ़ लो देखो क्या होगा सर भोजन ग्रहण करने, करने और प्रचलन के लिए सिडोपोडिया मतलब पैर होते हैं ये पैर पाद कूट पाद जो कूट पैर होते हैं जो फॉल्स फीट होते हैं ये दोनों में हेल्प करते हैं ठीक है आ जाओ अर्पिता शर्मा अमित एंड गुड इवनिंग सर गुड आफ्टरनून आ जाओ नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाओ कि जापान में उपहार स्वरूप भे, भेंट किया जाता है इन जापान इट इज गिवन एज ए गिफ्ट बताओ जापान में गिफ्ट के तौर पर क्या देते हैं बताओ जरा आई एम लेट टूडे सर कोई बात नहीं अमित कोई बात नहीं बताओ बताओ सर कि जापान में उपहार स्वरूप क्या देते हैं है। मतलब तो, सर क्या यूप्लेक्टेला 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 क्या है तो याद रखेंगे यह सबसे बड़ा एक क्वेश्चन सॉरी यूप्लेक्टेला सर किसमें आएगा तो यह आता है सर किस में याद रखेंगे यह सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आता है ठीक है आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ कि सिलेंट्रेटा संघ को अन्य किस नाम से जानते हैं सर याद रखोगे सिलेंट्रेटा को और किस नाम से जानते हैं है? तो याद हो सर देखो जो सिलेंट्रेटा संघ होता है ठीक है याद रखेंगे सर क्या कुछ बच्चे आते हैं कमेंट में फालतू की बकवास बाजियां करते हैं फालतू में सर क्या आके इधर कमेंट करते हैं क्या तुमको लगता है कि तुम्हारा सिलेक्शन कभी हो सकता है Have you ever think that कि तुम कभी पा सकते हो आओगे कमेंट में इस पे टिप्पणी उस पर टिप्पणी ये फालतू कमेंट करना तुम क्वेश्चन पे ध्यान देते हो कभी

कोई कमेंट कर रहा है कोई उस पर टीका टिप्पणी कर रहा है कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है नहीं है तुम लोगों को कुछ यार कभी अपने ना देखो कभी तो बाप के चेहरे को कभी ध्यान से देखे नहीं हो जब तक मुझे लगता है कि तुम तो अपने माँ बाप के चेहरे को ध्यान से नहीं देखते जिसे उनको ध्यान से देखना सीख जाओगे ना तुम पढ़ना सीख जाओगे यार उनके आंखों में उनके चेहरे पर बस एक ही उम्मीद रहती है मेरा बेटा मेरी बेटी पढ़ रहा है कुछ बड़ा करेगा कुछ बड़ा करेगी आके कमेंट में इस पिटी टीका टिप्पणी करना उसको बोलना ये बोलना मत आया करो यार नेक्स्ट आ जाओ कि कोरल रीफ का निर्माण किसके द्वारा हुआ सर देखो अभी मैंने आपको बताया देखो जो कोरल रीफ होते हैं ये होते हैं मूंगा ये होता है मूंगा हाइड्रा अवरेलिया ये सब क्या है सर इन सबसे निर्माण होता है कोरल रीफ का जो कि सर ग्रेट बैरियर रीफ ग्रेट बैरियर रीफ जो कि साउथ अफ्रीका में है, जो जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया में है तो याद रखेंगे सर क्या सिलेंट रीटा ठीक है नेक्स्ट आ जाओ नेक्स्ट क्या कह रहा कि? है कि तो अमृतत्व का गुण पाया जाता है देखो अमृतत्व का गुण किसमें पाया जाता है सर चट्टा में स्पंज में या अर्थ में या हाइड्रा में अमृतत्व मतलब कभी खत्म नहीं होगा वो बताओ बताओ आ जाओ देखो सर क्या होगा सर इसका आंसर होगा सर क्या हाइड्रा देखो जो हाइड्रा है ना सर अमृत्व का गुण किसमें पाया सर देखो जो हाइड्रा है हाइड्रा कभी भी नहीं मरता सर देखो इसमें क्या होता है सर देखो ये होता है ना हाइड्रा ये होता है हाइड्रा अब देखो सर क्या होता है कि यहाँ पे सर क्या इसमें ऐसे ही निकलेगा हाइड्रा फिर ये इसमें ग्रोथ होगी फिर यह क्या फिर टूट के अलग हो जाएगा और ये कभी भी मरते नहीं है इन सर क्या सर देखते हो कि आप क्या बहुत सारे गेमर्स होते हैं, बहुत सारे विल्न होते जो अपना हैं क्योंकि ये कभी मर नहीं सकते हाइड्रा 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 कभी मरेगा मर नहीं वेरी गुड आज नेक्स्ट देखो क्या कहता है कि सर के कि कितनी आंखें होती है जो केंचुआ होता है ना केंचुआ किस शंका जीव है आप सभी जानते हो एनिडा शंका जीव है इसका वैज्ञानिक नाम होता है फेरेटिमा पोस्टमा फेरेटिमा पोस्टमा तो सर ये बताओ जरा मुझे की क्या कि या इसमें कितनी आंखें होती है आप सभी जानते हो सर के के में कोई भी आंखें नहीं पाई जाती और इनका जो रक्त है ना रक्त रक्त का रंग कैसा होता है इनका इनका रक्त किस रंग का होता है? रक्त होता होता है है भूरे रंग का भूरा इनका रक्त कैसा होता है इनका रक्त का रंग भूरा होता है नेक्स्ट आ नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एनिडा और मोलस्का के बीच की योजना कड़ी है द लिंक बिटवीन द एलेडा और मोलस्का बताओ सर ये अच्छा सवाल है कि एनिडा और मोलस्का को जोड़ने वाली कड़ी का नाम क्या है बताओ कि एनलिडा और मुलास्का को जोड़ने वाली कड़ी का नाम क्या है बताओ जो एनलिडा और मुलास्का को जोड़ती है बताओ जरा जरा मुझे बताओ कि एनलिडा और मुलास्का को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है बताओ बताओ जरा जरा मुझे बताओ वेरी गुड बताओ

सफेद होता है कौन सफेद होता है अरे जो तुमने मारा जो तुमने कहा जिसके तुमने मारा ना वो प्लेनेरिया होता है ठीक है वो नहीं हाइड्रा हाइड्रा सूक्ष्म जीव है वो भले वो है क्या नाम कहते हैं आप उन? मल्टी सेलुलर लेकिन आप उसे नहीं देख सकते वो पचास सौ कोशिकाओं से मिलकर बना होता है कुछ भी वो जो तुम नालियों काड़ा कहते वो प्लेनेरिया होता है प्लेनेरिया याद रखोगे सर क्या होगा सी हॉर्स समुद्री घोड़ा ऑप्शन नंबर दूसरा जो समुद्री हॉर्स है ना सी हॉर्स है इसे कहते हैं हिप्पो कैंपस इसे कहते हैं हिप्पो कैंपस हिपोकैंपस और यह क्या है यह है मछली विश्व की सबसे धीमी चलने वाली मछली स्टारफिश क्या है यह है एकाइनो डर्मेटा एकाइनो डर्मेटा एकाइनो डर्मेटा और यह मछली नहीं है यह क्या है तो यह मछली नहीं है जबकि वहीं पर कटलफिश यह क्या है यह है, है मोलस्का ये क्या है जेलीफिश यह क्या है यह भी सर के कौन सी होगी जेलीफिश तो जेलीफिश किस में आएगी तो यह आएगी फलंटरेटा में तो ये सब क्या है ये मछलियां नहीं है मछली कौन सी है सर समुद्री घोड़ा ठीक है मास्टर साहब राम राम क्यूट। राम राम सिमरन क्यूट गुड़िया चलो आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ कि जल से बाहर निकालने पर मछलियां मर जाती हैं कि मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है हाथ लगाओगे डर जाएगी बाहर निकालोगे मर जाएगी क्योंकि आ, क्यों की मर क्यों मर जाती क्यों मर जाती है बताओ भैया क्यों मर जाती है तो बताओ बताओ बता। हाँ जी सी हॉर्स इज अ फिश जी हाँ सी हॉर्स इज अ फिश राहुल जी सी हॉर्स इज अ फिश तभी तो मेरी क्लास में ना मैं क्वेश्चंस अच्छे कराता हूँ मैं वो क्वेश्चन जो टिक मारो यस सर यस सर यस सर वो नहीं कराता मैं मैं वो कराता हूँ ना जो एग्जाम में आते हैं हो जो सी होगा सर ये सांस नहीं ले पाती है दे कान ब्रीथ ये सांस नहीं ले पाती है ठीक है इस बात को क्या आप याद रखोगे जाओ नेक्स्ट आ जाओ चलो ये रहा आपका होमवर्क ये सवाल आपका रहा होमवर्क और होमवर्क देते वक्त फिर सर क्या कुछ बातें भी आपसे करनी है क्या है बातें ध्यान दोगे ध्यान दो सर कुछ बातें हैं आपके लिए और बातें क्या है सर सुनोगे क्या है बातें तो आप जाओगे अपने फोन में सर्च करोगे अड्डा ट्वेंटी जैसे आप अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन सर्च करते हो ना तो आपको साइट खुल के आ जाएगी ऐसी बेहतरीन सी आप इस ट्वेंटी फोर पर सर्च करोगे इंडिया नंबर वन गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन इंडिया की सर क्या गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन नंबर वन और आप जाओगे ऑल कोर्सेज पर आप जाओगे स्टेट एग्जाम पर आप जोगे बिहार स्टेट एग्जाम एग्जाम पर और साल के साथ एक साल फ्री मिल रहे हैं मतलब क्या दो साल के लिए आप इसकी तैयारी कर पाओगे एक बार आपने महापैक ले लिया तो आपको अपना ऑफर चेक करना है ऑफर के लिए आपको अपना कूपन कोड लगाना होगा क्या होगा कूपन कोड तो आपका अपना कूपन कोड होगा सर क्या याद रखेंगे वाई थ्री एट सिक्स सर जैसे आप इसको अप्लाई कर दोगे सर क्या होगा सर आपका कूपन कोड तो आपका कूपन कोड होगा सर वाई थ्री एट सिक्स और यह बैच आपको पड़ जाएगी दो हजार उनहत्तर रुपए में आपको वाई थ्री एट सिक्स कोड लगाना है और आप दो साल के लिए क्या दो साल के लिए बिहार में आने वाले जितने भी फॉर्म हैं अभी सर कल ही आपकी नोटिस आई है कि 50,000 टीचर के फॉर्म आने वाले हैं आपके क्या बहुत सारी वैकेंसीज हैं अभी आपके मध्य निषेध का एग्जाम है 27 फरवरी को बिहार दरोगा के 2200 पद आने वाले हैं तो बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं तो आप अलग अलग बैच खरीदने से बढ़िया आप एक महापैक ले लो जिसमें आपको क्या पूरी टेस्ट सीरीज फ्री है पूरा आपके बैचेस फ्री हैं पूरे बुक्स फ्री हैं पूरा आपको जो भी चीजें आपको सर आपके एक प्रिपरेशन एक अच्छी प्रिपरेशन के लिए होगा वो सब आपको मिल जाएगा अगले दो सालों के लिए बस आपको अपना कोड लगाना है और आप इस बैच को परचेस कर सकते हो अपना कोड लगाकर वाई थ्री एट सिक्स तो आ जाओ आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल खुश रहें मुस्कुराते रहें जय हिंद वंदे मातरम थैंक यू